जय माता दी। दोस्तों, आप देख रहे हैं असरदार टोटके। बनानी है इस दिवाली को खास और पाना चाहते हैं माँ लक्ष्मी की कृपा, तो अपनाएं वास्तु के ये जरूरी टिप्स। दोस्तों, दिवाली के नजदीक आते ही सब लोग तैयारियों में जुट जाते हैं ताकि घर में माँ लक्ष्मी का वास हो। ऐसे में आपकी दिवाली को खास और बेहतर बनाने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं वास्तु के कुछ जरूरी टिप्स, जिसको फॉलो करके आप अपनी दिवाली को और भी अधिक हैप्पी बना सकते हैं, जिससे कि आपको जीवन में कभी भी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपके ऊपर हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। जीवन में आपके सभी तरह के बिगड़े काम बन जाएंगे और आपका जीवन खुशी खुशी व्यतीत होगा। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उनके बारे में। दिवाली से पहले घर की सफाई करने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। घर की सफाई करके गंदगी बाहर करते हैं, वैसे वैसे घर से नेगेटिविटी भी दूर जाती है और साथ ही माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा भी आती रहती है। स्वास्तिक के सिंबल को पवित्रता का निशान माना जाता है। माना जाता है कि इसको अपने घर मुख्य द्वार पर लटकाने से गुड लक आता है और घर में खुशी का माहौल हमेशा बना रहता है। वास्तु के अनुसार लक्ष्मी पूजा घर के उत्तर दिशा में होनी चाहिए। ऐसा करने से घर में पैसे आते हैं और साथ ही कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर उसको लगातार घर में छिड़के, इससे घर में खुशी का माहौल बना रहेगा। कहते हैं नमक सभी तरह की नेगेटिव ऊर्जा को दूर करता है। दिवाली की शाम ध्यान रखें कि आपका दरवाजा खुला हो। इसका मीनिंग होता है कि आप माँ लक्ष्मी को अपने घर में स्वागत कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप भी दिवाली इन नियमों के साथ अगर मनाएंगे तो माँ लक्ष्मी की कृपा आपको जरूर मिलेगी और आपके सभी तरह के बिगड़े काम बन जाएंगे। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। धन्यवाद दोस्तों।